बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को हमने लास्ट वीडियो में इनवर्स इंटरपोलेशन के बारे में बताया था। इनवर्स इंटरपोलेशन मीन्स हम लोगों को एक्स की वैल्यूज गिवन होगी इनवर्स इंटरपोलेशन, जैसे हम लोग फंक्शन का इंटरपोलेशन निकालते हैं उसी फॉर्म में, जैसे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वी हैव गिवन वाई, सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, दिस इज योर इनवर्स इंटरपोलेशन। x equals to f inverse of y means we have given x की terms आपको given है, fx given है particular x पे, let us suppose this is your x0, x1, x2 up to xn, इसके corresponding f of x0, f of xy, f of x2 up to f of xn, let us suppose we have given fx, then find out the value of x, that is called inverse function of इनवर्स इंटरपोलेशन। हम जानते हैं इसके लिए क्या है कि लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। आज मैं दूसरा मेथड इसका जो है वो अपलोड करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा था लैग्रांजेस मेथड, लैग्रांजेस मेथड फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेकेंड जो हमारा है सक्सेसिव सक्सेसिव इटरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज, दिस मेथड इज यूज फॉर इक्वल इंटरवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वल इंटरवल। ये समान अंतराल पे इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, और इट सक्सेसिव इटरेशन मीन्स हम लोग इसके अंदर कुछ वैल्यूज निकालेंगे और वापस उसको इटरेट करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म पे निकालने की वैल्यू, नेक्स्ट इटरेशन निकालने के लिए हम प्रीवियस इटरेशन से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज हम जानते हैं कि न्यूटन ने एग्री न्यूटन गैवी फॉरवर्ड फॉर्म न्यूटन एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर एक्स, हम इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं, सो वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा वाई जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई जीरो एंड सो। दिस इज यू कैन गेट ए फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर टेकिंग एम इक्वल टू एक्स, एक्स अपने पास या नॉन है, और फॉर इक्वल इंटरवल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं समान अंतराल के हमें इसको यूज करना है। सो फॉर द फर्स्ट इटरेशन वाई इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा ऑफ वाई जीरो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वाई जीरो अपॉन डेल्टा ऑफ वाई जीरो, दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन which is given by x1। ये हमारा पहला iteration होगा in terms of x0, ये in terms of this one। चाहे तो आप इसको delta y0 से divide करके पहले इसका formula बना दें x की value निकालने के लिए, x equals to y minus y0, x equals to y minus y0upon delta y0, x equals to then for minus x x minus 1 upon factorial 2 delta square y0 upon delta of y0 माइनस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई जीरो अपॉन डेल्टा ऑफ वाई जीरो एंड सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, हायर ऑर्डर को हमने चेंज करके इस फॉर्मूला बनाया। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई जीरो अपॉन डेल्टा ऑफ वाई जीरो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हायर टर्म शुड बी नेग्लेक्टेड, उच्च पदों को हम नेग्लेक्ट करते हुए, उच्च श्रेणी के पदों को नेग्लेक्ट करते हुए हम x1 की वैल्यू निकालिए, x1 इक्वल टू y माइनस y0 अपॉन डेल्टा y0। टू फाइंड आउट द नेक्स्ट इटरेशन, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, नेक्स्ट इटरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें पुट करें x इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन डेल्टा y0 प्लस माइनस x1
and x1 minus 1 upon factorial 2 delta square y0 upon delta y0 minus x1, x1 minus 1, x2 minus 1 minus 2 upon factorial 3 delta q y0 upon delta of y0. So find out the second equation x2 equal to y minus y0 upon delta of y0 minus x1, x1 minus 1 upon factorial 2 delta square y0 upon delta of y0. This is the second iteration. When you put the value of x1 from the first iteration, hum x1 ki value pehle iteration se put karenge isme aur second iteration ki value nikalenge. Or similarly you can go for the third iteration, fourth iteration or successive approximation. So this method is successive iteration. This method is used for equal samaan antaral pe is method ka use karke hum inverse interpolation method ki sahayata se ये फॉर्मूले से इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं. अब जैसे इसके अंदर हमने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर लिया, हम लोग एक एग्जाम्पल लेता हूँ उसको सॉल्व करेंगे. Solve the equation twice plus log nx equals to 2 e raised to minus x by the method of equation, by the method of iteration. First of all, we can write this equation in this form: 2 minus 2 e raised to minus x equals to log of 10x. 2 minus minus of. So this can be written as 2 comma 1 minus e raised to minus x equals to minus log of 10x. First of all, we can write in this form and then find out the value. Find out the value. X is the corresponding, मैं दो टर्म्स में इसको वैल्यू दिखा रहा हूँ. y1 equals to 2, 1 minus e is to minus x, and second iteration y2 equals to minus log 10 x. इस दो वैल्यू से हम लोग इसकी पहले वैल्यू निकाल रहे हैं. जो टेबल आपको दी गई है जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम वैल्यूज को करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1.9041, 0.3626, 0.5184, 0.6594. This is your 1, this is 0.6990, 0.5229, 0.3979. These are the values. Let us suppose this is your y1 or this is your y2. Or when you put x equals to 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 equal interval पर हमने इनकी values निकाल दी. Now minus log 10 minus x ये positive होने के कारण, ये minus 10 log minus होने के कारण हमने x का मान 1 से कम रखा है, मतलब इसको हमने positive रखा है, इसलिए हमने क्या किया, इसका मान हमने 1 से कम लिखा है x के, क्योंकि ये negative दिया हुआ है तो इनके negative और इसके negative मिलकर ये सारी terms हमारी positive हो जाएगी. तो इसका लगभग रूट जो अपने पास 0.3 तक है. सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज e रेज़ टू x 2 प्लस log 10x इक्वल्स टू 2, और लेट अस सपोज z इक्वल्स टू 2 प्लस log 10x, 2 प्लस log 10x. सो देयरफॉर x रेज़ टू z इक्वल्स टू 2, e रेज़ टू z इक्वल्स टू 2. दिस इंप्लाइज log ऑफ e raised to x z equals to log of e into 2. This implies x plus
log of EZ equal to log of E2. Therefore, x equals to log of E2 minus log of EZ. So therefore, x equals to log of E2 minus log of to the base E, Z to value twice plus log of 10x, base 10. This is your x. Now find out the approximation. So approximation के लिए let हमने x0 जो है वो 0.3, ये रूट हमने ली है 0.3. So find out the value x1, first approximation निकालने के लिए क्या करूँ कि हमने इसको लिया. Now for the first approximation from this, so x equals to 0.3, so therefore x equals to log of base e2 minus log of e2 plus log 10 x0. For the first approximation I put the value of x0. हमने क्या किया कि इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू देखी कि यहाँ कब हमारी टर्म्स में पॉजिटिव आ रही है. सो लेट अस सपोज x0 इक्वल्स टू 0.3. हियर वी पुट हियर x0 इक्वल टू 0.3. सो x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन log of e2 माइनस log of e2 प्लस log 10 इनटू 0.3. और 0.3 की वैल्यू पीछे से टेबल से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू log of e 2 minus log of 2 minus 1 bar 0.4771. इसकी वैल्यू 10 है, log base 10 है. so log of e 2 minus log of e 1.4771. so this is equals to 0.6931 minus 0.3901. so this is equals to 0.3030. this is the value of x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू निकाली दोनों की वैल्यू. दिस इज योर y इक्वल टू दिस सेकंड y2 इक्वल टू, इनकी वैल्यूज हमने निकाल के क्या अपने प्रीवियस टेबल में हमने रखी थी. इसके बाद हमने क्या किया इसको अरेंज किया, अरेंज करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया e रेज़ टू x को प्लस में करने के लिए पावर में ट्वाइस पहले से ट्रांसफर कर दे 2 प्लस log 10 x इक्वल टू 2. देयरफॉर इसको सॉल्व किया, दिस इज योर z टेकिंग log एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन दिस टर्म. सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको वैल्यू को देखना है क्योंकि इटरेशन मेथड में x इक्वल्स टू सम टर्म्स होने चाहिए, x इक्वल्स टू फंक्शन. तो x इक्वल्स टू फंक्शन के रूप में ये होगा. देन हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू को देखा कि अप्रोक्सीमेट 0.03 पे इसकी नियर बाई जीरो के इक्वल वैल्यू है. सो एक्स वन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया राइट और इसमें वैल्यू पुट करके इफ लॉग बेस 10 है क्वेश्चन में, लॉग बेस 10 से हमने इसकी वैल्यू निकाली लॉग टेबल की सहायता से और सॉल्व करें तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड, फाइंड आउट द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए वापस आ गई, इसको वैल्यू को पुट करूंगा मैं इसमें x2 equals to for second iteration x2 equal to log e2 minus log e 2 plus log 10 or 0.3030. this is your x1 iteration जो अपने निकाल. Now solving this, this is equals to 0.6931 minus log e, now solving this 1.8414 and this is equals to 0.6931 minus 0.3927 or therefore 3004. This is your x2 second iteration. This is your x2 second iteration. Now find out the third iteration by using this same method, using the third iteration. So therefore
x3 equals to log of e2 minus log of base 2 plus log 10 x2. Put here value log of e 2 minus log base e 2 plus log 10 of 0.3004. Solving this, 0.6931. This is log of 2 minus log e 1.4777. So solving this, 0.6931 minus 0.3908. This is equals to 0.3023. This is your x3 equation. Now find out the value of x4. X4 is log e2 minus log e 2 plus log base 10 x2 x3. Third iteration. So therefore, log of e base 2 minus log of e 2 plus log 10 0.3023. Now substitute these values. So this is equals to x4 equals to 0.6931 minus 0.3927. This is your 0.3304. This is the fourth iteration. So second iteration or fourth iteration lagbhag equal hai. So therefore, to find out this exactly value nikalne ke liye 0.3023 plus 0.3004 upon 2, this is equal to 0.30135. So this is x equals to 0.3014. This is the final answer. तो हमने देखा कि method of iteration, successive iteration का मतलब ये है कि हम first approximation की value निकालते हैं और उसी value को next में put करते हैं to find out the value of x2, second iteration. और second iteration को use करके हम second का again third में put करते हैं, तो third iteration, फिर third से fourth iteration and so on, जब तक कि दो values are not equal. हमने इसमें क्या किया कि x2, आप देखिए x2 is equal to 0.3004 and x4 is 0.3004. So दो iterations are equal. So the iteration x3 and iteration fourth iteration का सम करके बाय 2 करके हम लोग इसका रिजल्ट निकालते हैं. तो इस इक्वेशन की मेथड की सहायता से आप देखें कि हम लोग इक्वल इंटरवल पर सबसे पहले इक्वल इंटरवल पे वैल्यू निकालें और इक्वल इंटरवल के लिए कोई भी एक फार्मूला लिखें. जैसे मैंने हमने न्यूटन का एग्री फॉरवर्ड फार्मूला यूज कर लिया, हमने इसको सॉल्व किया और इनवर्स इंटरपोलेशन निकाला है. अब इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को कीजिए और अपने वीडियो को देखते हुए आप और सॉल्व कीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम आज का एक और अगला मेथड हम डिस्कस करेंगे.